ओके स्टूडेंट्स, जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो है बीटा फंक्शन। द इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप 0 to 1 एक्स की पावर एम माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एम एंड एन इज कॉल्ड बीटा फंक्शन। और डेफिनेशन बीटा फंक्शन की याद कर लेना, कई बार अकेली डेफिनेशन भी आ जाती है। और इस इंटीग्रल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज बीटा ऑफ एम एंड एन। एम यहाँ से आया जो एक्स की पावर में है, एम माइनस वन है ना, तो वन ऐड कर दोगे तो ये नंबर यहाँ आ जाएगा। 1 माइनस एक्स की पावर में जो नंबर है उसमें 1 ऐड कर दोगे तो ये नंबर यहाँ आ जाएगा। सो दिस इज बीटा ऑफ एम एन। बीटा ऑफ एम एन इज 0 to 1 एक्स की पावर एम माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये आपका बीटा फंक्शन हो गया। आपको शो करना है कि ये फंक्शन एग्जिस्ट, ये इंटेग्रल एग्जिस्ट सिर्फ तभी करेगा इफ एंड ओनली इफ एम एंड एन आर बोथ पॉजिटिव। एम एंड एन दोनों पॉजिटिव होने चाहिए तभी ये इंटेग्रल एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप क्या शो करो बेटा, इसकी कन्वर्जेंस डिस्कस कर लो आप। आपको पता लगेगा कि एम एन पॉजिटिव होने पे ही ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, जब एम एंड एन दोनों पॉजिटिव होंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सेम है जैसे आपने प्रीवियसली क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस एक्सरसाइजेज में। आप चेक करोगे कि 0 और 1 आपका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी तो नहीं बन रहा कहीं। 0 पॉइंट इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी का तभी बनेगा अगर एम माइनस वन नेगेटिव होकर नीचे चली जाएगी। कहने का मतलब जब m 1 से बड़ा रहेगा या 1 के इक्वल रहेगा तो पावर पॉजिटिव रहेगी और टर्म ऊपर ही रहेगी। उस केस में तो 0 बनेगा नहीं ना इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। तो 0 इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट तभी बनेगा अगर m नंबर 1 से छोटा हो जाए, अगर m 1 से लेस हो जाए। सिमिलरली यहाँ पर जब n 1 से लेस हो जाएगा तो 1 बन जाएगा पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। सो इसी केस में आपके 0 एंड 1 इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी के पॉइंट आएंगे। और उनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, 0 और 1 के बीच में कोई पॉइंट हाफ ले लोगे और अपने इंटेग्रल को कर दोगे स्प्लिट 0 से हाफ, हाफ से 1। ठीक है, फिर आप 0 पे कन्वर्जेंस डिस्कस करोगे इस इंटेग्रल में। इसके लिए फंक्शन जो आपको दिया हुआ है वो ये है, इसमें ये टर्म को आप नीचे ले जाइए, 1 माइनस एम कर दीजिए। ऑब्वियसली पावर जो है वो माइनस हो जाएगी ना, जिसके कारण 1 माइनस एम आ जाएगा। और जी एक्स ले लो 1 अपॉन एक्स की पावर 1 माइनस एम। जब आप दोनों को डिवाइड करके लिमिट निकालेंगे एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस पर, तो आपके पास आ जाएगा डिवाइड होने के बाद ये सिर्फ इतनी टर्म बच जाएगी, ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी ना। और जब 0 अप्रोच कराओगे तो अकेली लिमिट 1 रह जाएगी विच इज़ नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। हैंस इंटेग्रल ऑफ एफ एक्स एंड इंटेग्रल ऑफ जी एक्स बिहेव अलाइक। ठीक है, दे विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। एंड ये हमें पता है कन्वर्जन तब होता है जब ये पावर जो है 1 से लेस होती है। तो 1 1 कैंसिल कर दो, माइनस एम शुड बी लेस देन 0। माइनस एम 0 से लेस है मतलब एम 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इट मींस ये इंटेग्रल तब कन्वर्जेंट होगा जब m 0 से बड़ा होगा। तो सिमिलरली फिर बेटा एफ एक्स वाला इंटेग्रल कन्वर्जेंट कब होगा, जब m 0 से बड़ा होगा। सिमिलरली आप डिस्कस कर सकते हो कन्वर्जेंस एट 1। ये इसी तरह से करना है, बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो ये आ जाएगा कन्वर्जेंट फॉर n ग्रेटर देन 0। इट मींस दोनों का सम कब कन्वर्जेंट होगा, जब m 0 से बड़ा होगा, साथ के साथ n 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका कन्वर्जेंस फॉर द बीटा फंक्शन। इसके बाद अब क्रॉलरी है, यूजिंग द बीटा फंक्शन डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटेग्रल। इस इंटेग्रल की आपको कन्वर्जेंस डिस्कस करनी है यूजिंग द बीटा फंक्शन। अब बीटा फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये कन्वर्ज करता है इफ एंड ओनली इफ अगर एम और एन दोनों ही पॉजिटिव हो। सो पुट करो एक्स को साइन स्क्वायर थीटा, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे हम। एक्स को साइन स्क्वायर पुट कर लो, डी एक्स बन जाएगा 2 sin theta cos theta d theta। और लिमिट्स आपकी ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगी जब 0 से π/2 है, जब सॉरी इस केस में 0 से 1 है, तो एक्स 0 के कॉरस्पॉन्डिंग थीटा 0 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग थीटा आ जाएगा π/2। तो आपकी जो लिमिट बन जाएंगी वो 0 से π/2 बन जाएंगी और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की पावर एम माइनस वन, और 1 माइनस एक्स की जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर एन माइनस वन, और डी एक्स की जगह आ जाएगा 2 sin theta cos theta d theta। फिर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे, कॉस स्क्वायर बनेगा, कॉस स्क्वायर की पावर में 2n-1, और एक कॉस यहाँ से ऐड हो जाएगा तो पूरा बन जाएगा कॉस 2n-1। आप पावर्स ऐड करके देख लेना ना, देखो यहाँ पर जो है ना ये पावर इसकी, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा की पावर में एन माइनस वन, मतलब ये बनेगा 2n-2, क्योंकि 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, तो कॉस की पावर में आ जाएगा 2 into n-2। एक कॉस ऐड हो जाएगा तो ओवरऑल पावर आ जाएगी 2n-1।
और साइन स्क्वायर की यहाँ से पावर आएगी 2m-2 और एक साइन एडिशनल आ जाएगा तो पावर आ जाएगी 2m-1 और ये वाला जो 2 है ना ये वाला ये इंटेग्रल के बाहर कर दो तो इतना आ गया आपके पास। नाउ आप m को रिप्लेस कर दो क्योंकि आपको क्वेश्चन में p चाहिए और आपको 2m नहीं चाहिए, आपको उसकी जगह p चाहिए। सो ऑब्वियसली आप 2m को रिप्लेस करोगे p के साथ, दैट इज़ m को रिप्लेस करोगे p बाय 2 के साथ एंड सिमिलरली n को रिप्लेस करोगे q बाय 2 के साथ। तो जब आप रिप्लेस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा बीटा ऑफ p बाय 2 q बाय 2 इज इक्वल टू जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो, ये जो 2 है ये इधर ले जाओ 1/2 ऑफ बीटा p बाय 2 एंड q बाय 2। नाउ सिंस दिस इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है तो साथ के साथ फिर ये भी कन्वर्जेंट है। ठीक है बच्चे, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला जो आर्टिकल है वो है जनरल टेस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस। सिर्फ रिजल्ट पढ़ लेते हैं, इसका प्रूफ नहीं करेंगे हम। रिजल्ट है कि एफएक्स नॉट नेसेसरली पॉजिटिव, यहाँ पर अब दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि एफएक्स जो है वो ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव हो। उस केस में जो कन्वर्जेंस का टेस्ट क्या है, द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटेग्रल इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एट ए इज दैट फॉर एवरी गिवन ईटा ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट देयर कॉरस्पॉन्ड्स अ नंबर डेल्टा विच इज़ ग्रेटर देन जीरो सच दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स बिटवीन द लिमिट्स ए प्लस एप्सिलॉन 1 से लेके ए प्लस एप्सिलॉन 2 ये वाला जो मॉड है इस ये होना चाहिए ईटा से कम, वेयर एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 जो दो नंबर हैं ये डेल्टा से लेस या इक्वल होने चाहिए और अगर ये हो जाए तो आपका इंटेग्रल कन्वर्जेंट हो जाता है और अगर आपका इंटेग्रल कन्वर्जेंट है तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है क्योंकि नेसेसरी एंड सफिशेंट दिया हुआ है ना, मतलब आप बोथ वे से इस रिजल्ट को यूज़ कर सकते हो। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस आपको पता ही है क्या होती है कि कोई इंटेग्रल कोई भी इम्प्रॉपर इंटेग्रल एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट तब होगा जब ये वाला मॉड का इंटेग्रल कन्वर्जेंट हो। ठीक है ना, सो शो दैट आपको शो करना है इस आर्टिकल में, शो क्या करना है वैसे आप रिजल्ट याद करके रख लो कि ये वाला इंटेग्रल अगर कन्वर्जेंट होगा ठीक है ना तो ये वाला भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा तो ये एग्जिस्ट करेगा। अब ये वाला एग्जिस्ट करने का मतलब है अगर इसको आप शो करना चाहते हो ना कि ये एग्जिस्ट करेगा तो हम ऊपर वाला रिजल्ट शो करेंगे, हम ये रिजल्ट शो कर देंगे। ठीक है, अब ये रिजल्ट शो करना है तो आपको ऑब्वियसली लेफ्ट साइड से शुरू करना है तो मैंने लेफ्ट साइड कंसिडर कर ली। नाउ दिस इज लेस देन इक्वल्स टू दिस, आपको पता है जब इंटेग्रल बाहर आता है तो लेस देन इक्वल्स टू का साइन आता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास में। अब मॉड ऑफ एफ एक्स, जो मॉड ऑफ एफ एक्स है वो लेस देन ईटा है। ठीक है, फॉर ऑल एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 लेस देन इक्वल्स टू यहां पर आएगा डेल्टा, एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 लेस देन डेल्टा। इट इम्प्लाइज ये कहां से आया कि ये लेस देन ईटा है, ये यहां पर आपको दिया हुआ है ना कि ये इंटेग्रल एग्जिस्ट कर रहा है, इंटेग्रल एग्जिस्ट कर रहा है मतलब इसकी वैल्यू जो है वो फाइनाइट होगी, तो फाइनाइट होगी तो बेटा इसकी वैल्यू ऑब्वियसली किसी ईटा से कम होगी ना, इसका कह लो कि उसका उल्टा पार्ट लगाया जो ऊपर वाला रिजल्ट है ना, जो ऊपर वाला रिजल्ट है क्योंकि हमें ये दिया हुआ है एग्जिस्ट कर रहा है तो ऊपर वाला रिजल्ट मॉड ऑफ एफ एक्स पे लगा दो, मॉड ऑफ एफ एक्स पे लगाओगे तो वो चीज़ लेस देन ईटा आ जाएगी ना, तो मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन ईटा आ गया। अगर ये ईटा से लेस है फिर ये वाला भी ईटा से लेस हो गया, हैंस अगर ये मॉड ईटा से लेस है तो बाय अबव थ्योरम जो आपका इंटेग्रल ऑफ एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये, एक आधे नंबर के लिए जो क्वेश्चन आते हैं आपके शॉर्ट वाले उसमें आ सकता है। आपको प्रूफ करना होगा कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटेग्रल इज कन्वर्जेंट, इस तरह की स्टेटमेंट भी आ सकती है कि प्रूफ करो कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटेग्रल इज कन्वर्जेंट। तो याद रखना इसमें हम यूज़ कर रहे हैं अबव डेफिनेशन, तो अबव डेफिनेशन को थोड़ा सा अच्छे से बता देना। नोट वन, द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कहने का मतलब कि जो कन्वर्जेंट है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो ज़रूरी नहीं है। सेकंड, अ कन्वर्जेंट इंटेग्रल नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है ना, कि जो कन्वर्जेंट इंटेग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होता उसको बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। ये मैंने वैसे आपको जो सीरीज चैप्टर था उसमें करवाया ही था कि सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होती है, कन्वर्जन कब होती है, और अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाए तो कन्वर्जन भी बन जाती है, बट जो कन्वर्जेंट होती है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो ज़रूरी नहीं है, और इस तरह की सीरीज़ को बोलते हैं
कंडीशनली कन्वर्जेंट, तो वो सेम रिजल्ट आपके इंटेग्रल्स पे भी लग रहे हैं. नेक्स्ट रिजल्ट है 6.23 कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी, द इंटेग्रेंट बीइंग नॉट नेसेसरली पॉजिटिव. अगेन ये रिजल्ट है जब इंटेग्रेंट आपका ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है. तो नेसेसरी इन द सफिशियंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटेग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स एट इन्फिनिटी इज दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी ईटा ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ नंबर के सच दैट मॉड ऑफ इंटेग्रेशन फ्रॉम टी वन टू टी टू ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन ईटा फॉर ऑल टी वन टी टू ग्रेटर देन इक्वल टू टी. तो ये रिजल्ट ही याद कर लो. उसके बाद एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का है, द प्रॉपर इंटेग्रल इज सेट टू बी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इफ, अगर ये वाला मॉड कन्वर्जेंट हो. वैसे तो ये आपको पता ही है, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो फिर ये भी कन्वर्जेंट है. आप चाहो तो उसको एक बार पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, ठीक है. इसके बाद 6.26 आर्टिकल है आपके पास, लेट फाई बी बाउंडेड इन इंटरवल ए टू इन्फिनिटी एंड इंटेग्रल इंटेग्रेबल इन इंटरवल ए टू टी वेयर टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए. लेट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस एब्सोल्युटली एट इन्फिनिटी, देन शो दैट ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स फाई एक्स इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. कहने का मतलब अगर कोई फंक्शन फाई है जो बाउंडेड दिया हुआ है इस इंटरवल में और साथ के साथ इंटेग्रेबल भी दिया हुआ है इंटरवल ए टू टी में, या टी नंबर जो होगा वो ए से बड़ा होगा या इक्वल होगा, और ये इंटेग्रल जो है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिया हुआ था, इसके साथ तुम फाई जो ऊपर वाला मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टिंग इंटेग्रल आएगा वो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, ठीक है बेटे. एग्जांपल नंबर वन में आपने इस इंटेग्रल की कन्वर्जेंस को डिस्कस करना है. तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, साइन वन अपॉन एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है बेटे. अब इस इंटरवल इज ऑब्वियसली जीरो टू वन, ठीक है. जीरो क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जीरो पे डिफाइन नहीं है ना, हमें दिख रहा है जीरो पे डिफाइन नहीं, इसलिए जीरो पे ओपन डाल दिया, ठीक है. नाउ फॉर ऑल एक्स फ्रॉम जीरो टू वन, इसका अगर मैं मॉड लूँ ये अलग अलग हो जाएगा, ये नीचे मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव ही ले रहे हैं आप इंटेग्रल को, है ना. इंटेग्रल की जो लिमिट्स हैं वो पॉजिटिव ही हैं, नेगेटिव नहीं है, इसलिए नीचे मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है. नाउ दिस इज़ लेस देन इक्वल्स टू, ऊपर वाली चीज़ तो मुझे पता ही है लेस देन इक्वल्स टू वन होती है हमेशा, सो लेस देन इक्वल्स टू वन अपॉन रूट एक्स. तो आपका जो गिवन फंक्शन है उसका मॉड जो है वो लेस आ गया वन अपॉन रूट एक्स से, ठीक है. और अगर आप इसका इंटेग्रल निकालोगे ना फ्रॉम जीरो टू वन, इंटेग्रल ऑफ दिस फ्रॉम जीरो टू वन इज कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट, जो फाइनाइट लिमिट्स वाला इंटेग्रल टेस्ट था ना आपका पी टेस्ट, उसके अकॉर्डिंगली ये कन्वर्जेंट है क्योंकि पावर जो है एक्स की वो वन बाई टू है, वन बाई टू इज लेस देन वन, सो ये कन्वर्जेंट है. तो कंपेरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंगली फिर ये भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर मॉड वाला कन्वर्जेंट है तो आपका सिंपल वाला जो होगा वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, ठीक है. इसी तरह से आपका ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर है, आप पढ़ लेना, कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप पूछ लेना. इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, और इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो. इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे अगला चैप्टर मैकेनिक्स का.